सो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। एंड गाइस आप लोगों को न्यू अपडेट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा वो आज की वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है ऑटो रिक्शा का चीट कोड, मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों को मॉडिफाइड एंडेवर कार का चीट कोड बताने वाला हूँ। एंड सेकेंड नंबर आप लोगों को न्यू शोरूम देखने को मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड आप लोग गेम के अंदर न्यू एयरपोर्ट पर न्यू बिल्डिंग्स बनी है वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस इन सब के चीट कोड मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर दूंगा। एंड लास्ट के अंदर आप लोगों को मैं इसका हाइड सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूं। तो तुम लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही देना, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लेट वगैरह हो चुकी है तो मुझे माफ करना, ठीक है। तो यू व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू क्रेजी नेक्स ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज चीट कोड भी बता दूंगा। आज चीट कोड मतलब कि जो अपडेट के अंदर आया है वो सारे के सारे चीट कोड भी मैं आज की वीडियो के अंदर दे दूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। एंड आप लोगों को शोरूम के अंदर कार्स बाय कैसे कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ और जिस टूल का फीचर। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D गेम का अपडेट आ चुका है, और उसके अंदर आप लोगों को शोरूम देखने को मिला है, और उसके साथ साथ आप लोगों को एयरपोर्ट पे दो बिल्डिंग्स देखने को मिली है। एंड चैलेंज वाले मोड के अंदर कुछ नहीं देखने को मिला है भाई, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप लोगों को स्पाइडरमैन यानी कि मकड़ी का भी चीट कोड मिला है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड गाइस वीडियो में प्लीज यार एंड तक देखो यार, मेरा वॉच टाइम कलेक्ट नहीं हो रहा है यार, तुम प्लीज यार एंड तक देखो यार, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई शुरुआत के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑटो रिक्शा का चीट कोड मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ऑटो रिक्शा का चीट कोड यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो काफी लोग नाराज मत होना, ठीक है। क्या है चीट कोड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या चीट कोड था, 8370 शायद ये होगा। अबे 8307 नहीं नहीं हाँ 8370 ये डायल करोगे तो आप लोगों को गेम के अंदर ऑटो रिक्शा आ चुका है, और इसका कलर वगैरह कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन ही रहेगा तो बढ़िया है, तो भाई ठीक है। तो आप लोग बताओ यार ये ऑटो रिक्शा कैसा लगा, और इसका स्टैंड वगैरह देखो ना तो कैसा मारेगा यार, देख लेना। अभी मैं इसको ब्रेक मार के दिखाऊंगा भाई क्या चल रहा, चल क्या रहा है भाई। तो लोग यार फीलिंग लो यार ऑटो रिक्शा का कितना ओसम चल रहा है, और इसी को ब्रेक मार के ट्राई करेंगे तो ब्रेक से ऐसा घूमेगा सटक नहीं, ये देखो भाई भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये अपडेट भाई। ऑटो रिक्शा बहुत ही ये फर्स्ट थ्री व्हीलर कार्स है जो कि हमारे इंडियन बाइक से ड्रंक 3D गेम के अंदर आया है, तो बढ़िया है। आप लोग बताओ यार कमेंट के अंदर भाई कैसा लगा ये ऑटो रिक्शा, तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई ऑटो रिक्शा तो इंडियन बाइक से ड्रंक 3D गेम के अंदर। तो थैंक यू सो मच रोहित गेमिंग स्टूडियो एंड उसकी टीम, तो हमको ये अपडेट जल्दी देखने को मिला। तो अपन बात करेंगे इस बिल्डिंग्स के बारे में, तो भाई बिल्डिंग्स जो सिंपल लॉक रहेगी, इसके अंदर कुछ जाने आने का कोई रास्ता नहीं होगा, बट बिल्डिंग चेंज हुई है, क्या पता ये बड़ा वाला एरोप्लेन को उड़ा भी सकते हैं या फिर नहीं, तो अभी देखते हैं इसके पास चलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि इसके इसके ऊपर वर्क नहीं किया गया है। अगर आप लोग बड़ा वाला एरोप्लेन को उड़ाना चाहते हो तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन के अंदर बिग एरोप्लेन वोटिंग करना शुरू कर देना, ठीक है। वोट फॉर बिग प्लेन ड्राइविंग, ठीक है, ऐसा लिखकर कमेंट कर दोगे तो आ ही जाएगा नेक्स्ट अपडेट के अंदर, ठीक है। तो भाई बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं जा सकते हैं, बट ऊपर चलते हैं चिड़ियों के ऊपर। तो भाई चिड़ियों पर ऐसे नहीं चलेंगे, जंप मार के चलना पड़ेगा भाई, चिड़िया थोड़ी स्पेस में ज़्यादा दे रखी है भाई, और यहाँ पर तो स्पेस बहुत बढ़िया है यार। ओके चलो भाई चलो 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 भाई चलो भाई साहब, ओके फाइनली पहुँच चुके हैं ऊपर की साइड। एंड यहाँ पर बहुत ही बड़ी जगह है, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इसका चीट कोड क्या है, 30 जेट पैक का चीट कोड है, यहाँ पर मैं स्पॉन करवा देता हूँ, और यहाँ से मैं जेट पैक को लेकर ऊपर चढ़ता हूँ। ऊपर की साइड क्या लग रहा है, क्या वहाँ पर लाइट्स वगैरह है या फिर नहीं, चलो वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक और गैरेज टाइप देखने को मिलेगा, जो ये देख रहे हो कुछ है वो भाई, यहाँ पर कुछ तो है भाई, कुछ तो है, क्या ही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट है। इसको जेट पैक नीचे उतार रहा उतार रहा उतार रहा, अबे यार कहाँ जा रहा है, मेरा जेट पैक मुझे कंट्रोल नहीं करना आता है गाइस यार, लिटरली। अभी देखो कहाँ पर चीट दे रहा हूँ यार, अभी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए अबे रुक जाइए, मैं अभी रोकता हूँ, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। ये भाई ये
कॉर्न टाइप क्या बना है यार। ओके भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ये कुछ लाइट्स वगैरह है क्या, तो पता नहीं ब्रूस खलीफा बनाने जा रहे थे बट ये बन गया, तो इसलिए गलती हो गई रोहित गेमिंग स्टूडियो। बट मैं नीचे कैसे गिर गया यार, थोड़ा सा स्पेस से मैं नीचे गिर गया भाई। ठीक है, तो आप लोग अपनी गेम के अंदर ब्रूस खलीफा लेना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मियाँ खलीफा ऐड कर दो यार, मियाँ खलीफा नहीं ऐड होगी भाई। ठीक है, तो मजाक करते हैं यार। तो आपकी गेम के अंदर ब्रूस खलीफा चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, और आप लोगों को गेम के अंदर डुबोई सिटी चाहिए इस गेम के अंदर तो कमेंट कर ही देना। ठीक है, तो आप लोगों का नया वर्ल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई और भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो भाई पहले एक्सप्लोर के अंदर क्या ही करें भाई, तुम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, तो वो आप लोग बिल्डिंग्स वगैरह आप लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है, और ये वाला तो आप लोगों को पता है इसके अंदर जा नहीं सकते, तो कुछ इस प्रकार का ही रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना ऑटो रिक्शा घुमा ही देते हैं ताकि बढ़िया रहे भाई। इसके अंदर नहीं आ सकते नहीं जा सकते भाई, कुछ मतलब ही नहीं है फालतू में वीडियो बड़ा करने का। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं सीधा शोरूम की ओर। तो वहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ और भी क्या आने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को लाइन वाइन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस काफ़ी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं यार, काफ़ी लोग यार क्या है यार वीडियो के नीचे कमेंट नहीं आ रहे यार, तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना। और गाइस वीडियो अब रेगुलर आने की कोशिश करूँगा, लाने की कोशिश करूँगा, बट क्या ही करूँ यार घर का काम चल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो रही है यार। कभी माइक उधर जा रहा है, कभी मेरा फ़ोन इधर जा रही है, कुछ सिस्टम सेट नहीं है मेरा भाई। ठीक है, इसलिए थोड़ी बहुत वेस्ट हो रहा है मेरा भी यूट्यूब से भाई, माफ करियो मेरे भाई, बट सपोर्ट जरूर दिखाइयो मेरे भाई हो। ठीक है, तो चलो भाई ये शोरूम आप लोगों को देखने को मिल चुका है और इस शोरूम के अंदर क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, एंड इसके अंदर कार्स वगैरह बाय कैसे कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं भाई। ये देखो कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया के आगे हमको शोरूम देखने को मिलेगा और इस शोरूम के दो गेट होंगे, तुम लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट गेट ये है भाई, ऑटो रिक्शा रुक जाइए भाई। भाई तुम लोगों को बताओ यार, तुम लोगों लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस वगैरह में बैठते हो, उसके अंदर जो दरवाजे होते हैं ना, दरवाजा का ग्लिच वगैरह धीमा धीमा होता है, तुम लोगों को पता है ना। धीमा मतलब कि कैरेक्टर उतरने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। ऑटो रिक्शा लो, मजे से उतरो, स्टैंड वगैरह मारो, पलटी भी नहीं खाएगा, टूटेगा भी नहीं, लाट टिकाऊ माल मिलेगा। तो गाइस कैसा लगा ये भाई, अब भाई जोक थोड़ा भाई। ठीक है, तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। ठीक है, और गाइस यहाँ है भाई इसका सीक्रेट चीट कोड मुझे भी नहीं मालूम है यार, कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं यार, मेरा वो पॉपर्ट हो गया भाई। अगले वीडियो के अंदर मैं डेडिकेटेड के अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा भाई, क्या आने वाला था, क्या आ गया भाई। तो तुम लोग जरूर बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, शोरूम के अंदर जाते ही भाई ये क्या मिल गया भाई तुम लोगों को यार, भाई ये क्या है, क्या है ये सब भाई। एक सेकंड दो दरवाजे मैंने बोला था ना, सेकंड दरवाजा भी है, तुम लोगों को नहीं पता था पर मेरे को पता था यार, पता नहीं था बट अपडेट आया तब पता चला। ओके, यहाँ पर ये क्या है, गाड़ियाँ उतारने का रैंप वगैरह बना है इसके, तो मजे ही मजे यार। तो बढ़िया लग रही है यार, बट कार्स वगैरह बाइक कैसे करे यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रही यार, सारा दिमाग उधर से उधर घूम रही है यार। तो तुम लोग टेंशन मत करो, मैं अगली वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल के अंदर बता दूंगा। तुम लोग यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर ही देना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है तो भाई चलो भाई, और भाई ये देख सकते हो हमारा सोलूम देख रहे हो भाई, सोलूम बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ पार्क रहेगी यहाँ पर, इस गली का क्या मतलब है, और यहाँ पर स्पेस तो बढ़िया दिया यार तुम लोग यार, समझ के दिया यार, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा यह शोरूम है या फिर नहीं, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते भाई। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐड किया है तो भाई बढ़िया ही है यार, यहाँ से गाड़ियाँ उतारेंगे नीचे की ओर, यहाँ से अपन सीधे नीचे गिर गए भाई। ठीक है,
अपने हिसाब से तो देखे तो भाई अपडेट बहुत ही बढ़िया लगा है, बट आप लोगों को चीट कोड मालूम नहीं थे तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी बात है, यहाँ पर 8370 डायल करोगे तो ऑटो रिक्शा देखने को मिलेगी, एंड 2020 डायल करोगे तो आप लोगों से हमने फोर्ड एंडेवर देखने को मिलेगी जो मॉडिफाई के अंदर, ठीक है। और 0015 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाली बाइक देखने को मिलती है, और 6677 डायल करोगे तो जेसीबी देखने को मिलती है। और गाइस आप लोगों इंडियन बाइक्स ड्रम सेट गेम के अंदर 22244 डायल करोगे तो आप लोगों गेम के अंदर सुपरा देखने को मिलती है। तो भाई मैं ये सब चीट कोड मैंने बता चुका हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।